वेलकम टू बॉलीवुड पंचनामा, जहां हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज के साथ। दोस्तों, अक्षय कुमार, जिनका असली नाम है राजीव हरिओम भाटिया, बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड को कई सारी हिट फिल्में दी है। एक पॉपुलर एक्टर होने के साथ साथ अक्षय एक प्रोड्यूसर और मार्शल आर्टिस्ट भी है। अकी ने 125 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। उन्हें कई बार उनके फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से दो बार उन्होंने यह पुरस्कार भी जीता है। अकी काफी फिट एक्टर है और ज्यादातर फिल्मों में वो अपने स्टंट्स स्वयं ही करते हैं। जब अक्षय ने बतौर हीरो बॉलीवुड में पहली बार कदम रखा था तो शुरुआती दौर में उनकी फिल्मों को खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन उनकी खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार ही बना दिया। बॉलीवुड में अक्षय का आगाज 90 के दशक में हुआ था और उसके बाद अक्षय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1997 में अक्षय की एक फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म ने अक्षय को काफी पॉपुलर कर दिया और उस फिल्म का नाम है अफलातून, जो एक एक्शन क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था गुड्डू धनवा ने। इस फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल है, एक ईमानदार और दूसरा बेईमान। फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुड्डू धनवा, ललित कपूर और राजू नरूला ने। उनकी प्रोडक्शन कंपनी भगवान चित्र मंदिर के बैनर तले। दोस्तों, फिल्म के कैची सॉन्ग्स को संगीत दिया था दिलीप सेन और समीर सेन की जोड़ी ने और फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे, जैसे कि फिल्म का थीम सॉन्ग अफलातून जिसे गाया था रेमो फर्नांडिस ने और पोस्टर लगवा दो बाजार में काफी पॉपुलर हुआ था। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि फिल्म अफलातून की रीमेक को अगर बॉलीवुड के लीड डायरेक्टर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करे तो देखना काफी एंटरटेनिंग होगा। रोहित शेट्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड में काफी बढ़िया है और उनके द्वारा डायरेक्ट किए गए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी पॉपुलर होते हैं। फिल्में जैसे कि सिंघम, गोलमाल उनकी कुछ ट्रेडमार्क फिल्में हैं जिन्होंने ऑडियंस के दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वही फिल्म में अगर म्यूजिक अनु मलिक का हो तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अनु मलिक जिस भी फिल्म में अपना म्यूजिक देते हैं वो ऑडियंस के दिलों में फिल्म के म्यूजिक के मदद से आग लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में अक्षय कुमार ने डबल रोल का किरदार निभाया है, जिसमें एक किरदार का नाम है रॉकी और दूसरे का है राजा। उर्मिला मातोंडकर नजर आती है इस फिल्म में पूजा के किरदार में। शाजिया मलिक नजर आती है सोनिया के किरदार में। फरीदा जलाल इस फिल्म में राजा की माँ की भूमिका निभा रही है। हरीश पटेल इस फिल्म में पुलिस कमिश्नर के किरदार में नजर आते हैं। अनुपम खेर इस फिल्म में विद्या प्रकाश के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म के अन्य किरदारों में थे टिकू तलसानिया, रेमो डिसूजा, सुबी राज और सोनिया साहनी। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि फिल्म अफलातून की रीमेक में टाइगर श्रॉफ निभा सकते हैं रॉकी और राजा का डबल रोल वाला किरदार। एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने यह कहा था कि वे एक डबल रोल वाला किरदार निभाना चाहते हैं और फिल्म अफलातून की रीमेक में उनका ये किरदार उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। हाल ही में टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 ने बॉक्स ऑफिस पर उतना खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लेकिन ऑडियंस ने टाइगर श्रॉफ का परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएट किया है। तारा सुतारिया नजर आ सकती है पूजा के किरदार में। फिल्म हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया है और इस फिल्म की रीमेक में फिर से एक बार टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया को साथ में देखना एक विजुअल ट्रीट होगा। सारा अली खान निभा सकती है इस फिल्म में सोनिया का किरदार। वही फिल्म में दिव्या दत्ता राजा की माँ का किरदार निभा सकते हैं। चंकी पांडे इस फिल्म में निभा सकते हैं विद्या प्रकाश का किरदार। चंकी पांडे एक एंटरटेनर है और जिस भी फिल्म में वो काम करते हैं उस फिल्म के जरिए ऑडियंस का खूब एंटरटेनमेंट करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार को निभा सकते हैं जॉनी लीवर। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म अफलातून की कहानी के बारे में। फिल्म कहानी है एक जैसे दिखने वाले राजा और रॉकी की। राजा एक सड़क छाप टपोरी है जो एक अमीर लड़की पूजा से प्यार करता है और पूजा का दिल जीतने में वो कामयाब होता है, लेकिन पूजा के पिता उसे पसंद नहीं करते। वही रॉकी एक खतरनाक मुजरिम है जो अमीर लोगों को उनके जान बख्श देने के बदले में ब्लैकमेल करता है। कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब रॉकी और राजा आमने सामने आते हैं और रॉकी राजा को अपने जाल में फंसाता है। वही रॉकी राजा की जिंदगी को अख्तियार करने की कोशिश करता है और राजा को बंदी बनाता है। फिल्म के अंत में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या राजा रॉकी को हरा पाता है और क्या राजा पूजा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएगा।
दोस्तों अब हम जानते हैं फिल्म अफलातून से जुड़े हुए टॉप फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, ये एकमात्र फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार और उर्मिला मातोंडकर ने साथ में काम किया है। फैक्ट नंबर 4, रेमो डिसूजा ने इस फिल्म में पहली बार बतौर बैकग्राउंड डांसर किसी फिल्म में नजर आए थे और वो था फिल्म का टाइटल सॉन्ग अफलातून। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अफलातून काफी विवादों में था कि कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। गाने के लीड सिंगर रेमो फर्नांडिस ने इस चीज को मानने से इनकार किया था और कहा कि ये असल में कोई अभद्र शब्द नहीं है बल्कि गाने के कुछ ऐसे शब्द है जो सुनने में अभद्र लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, ममता कुलकर्णी को इस फिल्म के लिए ऑफर किया गया था पर उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। और अंत में फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल है और विलन रॉकी का किरदार अक्षय कुमार ने जो निभाया है वो फिल्म बैटमैन में जैक निकल्सन द्वारा निभाए गए विलन के किरदार से इंस्पायर्ड है। तो ये थे फिल्म के टॉप फैक्ट्स। दोस्तों आप जानते हैं फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। इस फिल्म का बजट 4,50,00,000 का था और पहले ही हफ्ते में इस फिल्म ने लगभग 1.5 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म ने भारत में लगभग 10 करोड़ की कमाई की थी और दुनिया भर में इस फिल्म ने लगभग 11 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये आपका चैनल है, हम ज्यादातर वीडियो आपके सुझाव पर ही बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगले मूवी का सजेशन डालना ना भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास और बहुत कुछ है। ऊपर के बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखिए। नीचे के बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।